हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा, ये आप देख सकते हो, मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं जगुआर कंपनी का। दोस्तों, ये कंसील यूरिनल है। तो ये कंसील यूरिनल और ये यूरिनल का ऊपर जो दोस्तों सेंसर फिटिंग होता है, यहाँ पर देख सकते हो, मैं वो सेंसर को अनबॉक्सिंग करूँगा, जो ऑटोमेटिक दोस्तों पानी जो है यूरिनल में फ्लश होता है। तो ये जो है दोस्तों सेंसर का जो है अपर प्लेट मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। अभी मैं आपको ये सेंसर का जो पार्ट्स, जितना भी पार्ट्स होता है दोस्तों, उसके बारे में मैं बताऊंगा, जो सेंसर का क्या क्या अलग अलग पार्ट्स होता है। तो अभी मैं ये प्लेट दिखाया, अभी ये जो मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये सेल है और ये जो है एलएनजी पाना है उसका साथ में। और ये जो है दोस्तों, ये जो सेंसर का कंसील बॉडी होता है, ये कंसील बॉडी है। अभी मैं आपको दोस्तों ये जो कंसील बॉडी है उसको भी मैं अभी ओपन करके बताऊंगा, उसका अंदर का दोस्तों की जो क्या फंक्शन होता है और उसमें क्या क्या फिटिंग करना पड़ता है। ये देख सकते हो, ये इसमें सेल फिटिंग करना है दोस्तों, ये सेल जो है, ये दो सेल इसमें फिटिंग करना है। और ये जो है आप देख सकते हो, यहाँ से जो है ये सेंसर में पानी इनलेट होगा, जो आपका मेन लाइन से जो पानी आएगा वो सेंसर में इधर से इनलेट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो कंसील बॉडी का अंदर दो वायर होता है दोस्तों, एक सेल से वायर आता है, दूसरा जो सेंसर का जो कॉक होता है उससे वायर आता है। तो कंसील बॉडी से दोस्तों दो वायर होता है, दूसरा जो उसका अपर प्लेट होता है, अपर प्लेट से दो वायर होता है। तो ये दोनों वायर दोस्तों, आप उसका नेगेटिव और पॉजिटिव देख के उसके बाद ये आप देख सकते हो, वाइट कलर का दोनों वायर में मार्किंग है। तो ये दोनों जो वाइट कलर का जो आप मार्किंग देख रहे हो, तो ये दोनों मार्किंग एक सरका मिला के फिर पुश कर देना है। यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखिए व्हाइट कलर का यहाँ मार्किंग है और इस वायर में भी है। तो ये दोनों एक ही लाइन पे रख के जो है पुश कर देना, तो ये जो वायर है दोस्तों वो फिटिंग हो जाएगा। अभी ये वायर फिटिंग हो जाने के बाद दोस्तों, ये बॉडी का इस जगह पे जो है सेल का जो बॉडी है वो यहाँ पे, उसका सेल का बॉडी का अंदर दोस्तों चीट आता है और चीट का ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, तो प्लास्टिक निकाल के इस जगह पे जो है बैठा देना है सेल का बॉडी। उसके बाद दोस्तों ये जो है उसका अपर प्लेट फिट करना है। अभी ये अपर प्लेट का ऊपर जो दोस्तों, ये आप देख सकते हो जहाँ से लाइटिंग जो है फ्लैश होगा, तो उसका ऊपर एक प्लास्टिक लगा हुआ है दोस्तों। जब टाइल का ऊपर आप ये प्लेट फिट कर दोगे, तब ये वो जो प्लास्टिक है लाइटिंग का ऊपर वो निकाल देना है। अब यहाँ देख सकते हो अपर प्लेट में दोस्तों एलएनजी से जो है ये पे टाइट है, तो ये एलएनजी खोल के फिर मैं इसको जो अपर प्लेट कैसे फिट करना है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ये पाना से मैं उसका जो एलएनजी है वो खोल देता हूँ। अभी देखिए पाना एलएनजी जो है मैं खोलने के बाद उसका अंदर से दोस्तों अब एक प्लेट आया है दोस्तों। ये जो प्लेट है, ये प्लेट पहले आप जब ये अपर प्लेट फिट करोगे, तो ये प्लेट जो है पहले आपको बॉडी में फिट करना पड़ेगा। ये चार स्क्रू दोस्तों इसका ऊपर जो है, ये चार स्क्रू इसको टाइट करना है। चार स्क्रू से टाइट करने के बाद ये जो है, अब उसका अपर प्लेट जो है उसको क्या करूँगा मैं, ऊपर से आप देख सकते हो ऊपर से नीचे की ओर जो है मैं पुश करूँगा। उसके बाद एलएनजी पाना से एलएनजी को मैं टाइट दे दूँगा, तो इसका जो अपर प्लेट है वो फिटिंग हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सेंसर का जो अपर प्लेट कैसे फिट करना है वो तो मैं अभी आपको बता दिया। उसके बाद में ये जो यूरिनल है, यूरिनल का साथ में क्या क्या चीज़ आया है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हो ये सब चीज़ जो है यूरिनल का साथ में आया है। ये क्या चीज़ है ये तो मेरे को भी मालूम नहीं है, चलिए मैं अभी खोल के आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है यूरिनल का जो ये आउटलेट है, इसका ये ढक्कन है। ये जो है डेक बोल्ट है दोस्तों, जो जिससे जो है यूरिनल जो है वो फिटिंग होगा। ये जो पाइप दोस्तों है, ये यूरिनल का आउटलेट में ऐसा फिटिंग करके उसके बाद जो है यूरिनल फिटिंग करना है। अब दोस्तों ये जो कंसील यूरिनल और सेंसर मैं इंस्टॉल करूंगा, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो कंसील यूरिनल का जो आउटलेट और इनलेट का जो मैं पहले पाइपिंग फिटिंग करूंगा, तो वो किस मेजरमेंट से कितना हाइट पे मैं उसका पाइपिंग फिटिंग करूंगा वो मैं पहले आपको यहाँ पे ड्रॉइंग में बताऊंगा, उसके बाद जो है मैं आपको प्रैक्टिकल में फिटिंग करके बताऊंगा।
तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूंगा, बाथरूम का कहाँ पे ये यूरिनल में फिटिंग करूंगा वो पहले मैं देखूंगा, ठीक है। आर्किटेक्ट का प्लान अगर मेरे पास होता है तो प्लान में मैं देख लूंगा कि कहाँ पे मेरे को यूरिनल फिटिंग करना है। वो देखने के बाद ये जो यूरिनल यूज करने के लिए टोटल कितना जगह मेरा ये प्लान में है, ठीक है, उसके हिसाब से जो है मैं पहले मार्किंग कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है पहले मैं सीधा मार्किंग कर दूंगा। ये आप जो टोटल ये जगह है, ये जगह यूरिनल यूज करने के लिए जो है वो लिया हूँ। अब इसका जो डिस्टेंस है दोस्तों यहाँ पे 18 इंच है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को प्लान में जो डिस्टेंस बताया है वो 18 इंच है। आप अगर चाहे तो ये 18 इंच का जगह 4 फुट तक भी जो है आप यूरिनल यूज करने के लिए जगह ले सकते हैं। पर जो भी जगह आप यूरिनल यूज करने के लिए लोगे उसका सेंटर पे जो है यूरिनल फिटिंग करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सेंटर में जो है ये 18 इंच का दोस्तों सेंटर 9 इंच पे मैं जो है मैं सीधा ऊपर से लेकर नीचे तक जो है सेंटर लाइन टान दिया हूँ। अब ये सेंटर में लाइन टानने के बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, जो बाथरूम का फ्लोरिंग है वो फ्लोरिंग का लेवल क्या है वो मैं देखूंगा। तो यहाँ पे फ्लोरिंग का लेवल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे मैं लाइन टान दिया हूँ। अब ये फ्लोरिंग का लेवल देखने के बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, जो कंसील यूरिनल का जो आउटलेट और इनलेट उसके लिए जो पाइपिंग फिटिंग करूँगा उसका सेंटर नीचे का फ्लोरिंग से कितना हाइट पे मैं करूँगा उसके लिए मैं पहले टेप से माप के मार्किंग कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसील यूरिनल दोस्तों मैं फिटिंग करूँगा उसका जो ये जो आउटलेट नीचे का फ्लोरिंग से कितना हाइट पे करूँगा वो मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि ये कंसील यूरिनल में दोस्तों ये जो माप है ये पहले आउटलेट का हाइट कितना पे रखना है ये पता नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कंपनी में जो दोस्तों ये जो यूरिनल का आउटलेट होता है वो अलग अलग होता है। क्योंकि ओपन यूरिनल में दोस्तों ये जो आउटलेट है ये पहले से पता रहता है, ठीक है, वो तो हम लोग जो आउटलेट का जो पाइप फिटिंग करता हूँ वो 18 इंच सेंटर पे रख देता हूँ, पर कंसील यूरिनल में मालूम नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जो वीडियो में मैं आपको कंसील यूरिनल फिटिंग करके बताऊँगा उसका जो ये आउटलेट कितना हाइट पे रखूँगा वो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉइंग में जो है मैं आपको निकाल के उसके बाद मैं बताऊँगा कितना हाइट पे रखूँगा। अब ये आउटलेट का जो हाइट है ये मैं निकालने के बाद जो इनलेट है इनलेट का भी जो कितना हाइट पे रखूँगा यहाँ पे ये भी मेरे को मालूम नहीं है, ये भी मैं आपको यहाँ से निकाल के बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों ये जो सेंसर का जो हाइट है सेंसर जो फिटिंग करूँगा उसका सेंटर नीचे का फ्लोरिंग से कितना हाइट पे मैं फिटिंग करूँगा वो यहाँ पे आप दोस्तों 52 इंच हाइट पे मैं रख करूँगा। टेप से सीधा माप के फ्लोरिंग से 52 इंच पे जो है मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूंगा। अब सेंसर का जो सेंटर का जो हाइट है दोस्तों वो आप मिनिमम 50 इंच से लेके 55 इंच हाइट तक जो है आप उसको रख सकते हैं। तो अब दोस्तों ये यूरिनल का जो आउटलेट कितना हाइट पे रखना है मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। अब दोस्तों ये जो कंसील यूरिनल है सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नीचे कोई एक्सेल का फ्लोरिंग के ऊपर जो है ये यूरिनल रख दूंगा या फिर कोई टाइल्स के ऊपर आप रख सकती है। रखने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, ये जो यूरिनल का नीचे का लेवल से मैं ये हाइट कितना है टेप में मापूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हो टेप में माप के मैं देखा ये 12 इंच है। तो अब ये जो यूरिनल का ये जो हाइट है दोस्तों ये जब यूरिनल हम लोग फिटिंग करता हूँ तो ये हाइट मेन जो नीचे का फ्लोरिंग है बाथरूम का फ्लोरिंग से ये जो हाइट है ये 27 इंच हाइट पे रखना है। ओपन यूरिनल हो या कंसील यूरिनल हो या कोई भी कंपनी का यूरिनल हो तो जो भी यूरिनल फिटिंग करना है वो फ्लोरिंग से ये जो हाइट है ये 27 इंच हाइट पे रखना है। अब ये माप अगर मेरे को पहले से पता है तो अभी मैं दोस्तों ये जो कंसील यूरिनल है नीचे का फ्लोरिंग से कितना ऊपर उठा के जो है मैं इसको फिटिंग करूँगा 15 इंच, तभी जाके दोस्तों ये 15 और 12 टोटल ये जो यूरिनल का जो ये हाइट है ये मेन फ्लोरिंग से 27 इंच होगा। तो अब दोस्तों अगर यूरिनल का नीचे का लेवल मेन फ्लोरिंग से 15 इंच मेरे को ऊपर उठाना है। अब यहाँ पे यूरिनल का जो आउटलेट है दोस्तों वो आउटलेट का जो सेंटर है वो नीचे का लेवल से मैं टेप में माप के देखा ये 6.25 इंच है। तो ये अगर 6.25 इंच है तो जो फ्लोरिंग से दोस्तों इसका जो हाइट है वो कितना होगा 21.25 इंच होगा, क्योंकि ये 15 प्लस 6.25 इंच यानी टोटल 21.25 इंच हाइट पे जो है मेरे को ये यूरिनल का जो आउटलेट का जो मैं पाइपिंग फिटिंग करूँगा उसका सेंटर जो है ये फ्लोरिंग से 21.25 इंच हाइट पे रहेगा। तो ये आउटलेट का जो हाइट है दोस्तों टेप में माप के मैं फ्लोरिंग से 21.25 इंच हाइट पे जो है मैं मार्किंग कर दूंगा। अब ये इनलेट का जो मार्किंग करूंगा दोस्तों
ये यूरिनल का आउटलेट से इनलेट जो कितना डिस्टेंस है टेप में माप के मैं देखा हूँ ये 17 इंच है। तो ये इनलेट का जो हाइट है मैं ये आउटलेट का हाइट से ये हाइट में माप के 17 इंच हाइट पे जो है मैं मार्किंग कर दूँगा। अब सेंसर का जो हाइट कितना है वो तो मैं आपको पहले बता दिया 52 इंच हाइट पे रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आपको ड्राइंग में जो कंसील यूरिनल और सेंसर में वीडियो में फिटिंग करके आपको बताऊँगा प्रैक्टिकल में वो कैसे फिटिंग करूँगा और किस मेजरमेंट से कितना हाइट पे फिटिंग करूँगा वो यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ। अभी मैं सीधा प्रैक्टिकल में आपको करके बताता हूँ। अभी दोस्तों मैं आपको ड्राइंग में जैसे बताया हूँ तो उस हिसाब से जो है मैं इस जगह पे जो है यूरिनल फिट करूँगा तो उसका सेंटर लाइन में मैं पहले ऊपर से लेके नीचे फ्लोरिंग तक मैं मार्किंग कर दिया हूँ। अभी ये मेरा फ्लोरिंग का लेवल है देख सकते हो जो बाथरूम का फ्लोरिंग का लेवल आएगा तो मैं यहाँ पे फ्लोरिंग का लेवल मैंने यहाँ पे निकाल लिया हूँ। फ्लोरिंग का लेवल निकालने के बाद दोस्तों ये जो सेंसर मैं फिटिंग करूँगा तो सेंसर का जो सेंटर है दोस्तों फ्लोरिंग से जो है 52 इंच हाइट पे जो है मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हूँ। अब देख सकते हो अभी मैं टेप से भी आपको माप के दिखा देता हूँ। ये जो यूरिनल का आउटलेट का जो सेंटर है दोस्तों ये फ्लोरिंग से जो है ये 21 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हूँ और सेंसर का जो हाइट है 52 इंच हाइट पे जो है मैंने मार्किंग किया हूँ। यहाँ पे ये जो यूरिनल के लिए जो दोस्तों वाशर आया है जब मैं यूरिनल फिटिंग करूँगा तो ये वाशर जो है फिटिंग करूँगा नहीं उसकी जगह दोस्तों ये जो यूरिनल का इनलेट के लिए जो ये मैं पाइप फिटिंग करूँगा ये पाइप सीधा यूरिनल का अंदर आ जाएगा और इसको मैं सीधा पुटिंग नहीं तो सिलिकॉन देके जो है यूरिनल फिटिंग करूँगा। अब यहाँ पे जो है दोस्तों एक चीज़ खास ध्यान रखना है ये जो यूरिनल का आउटलेट के लिए जो पाइप आया है तो जब यूरिनल फिटिंग करूँगा तो ये पाइप फिटिंग करके फिर ये जो है वेस्ट पाइप का अंदर आएगा। तो ये जो वेस्ट पाइप फिटिंग करूँगा दोस्तों वेस्ट पाइप जो है टाइल से 1.5 इंच अंदर रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूरिनल का जो धार है धार से ये चीज़ जो है 1.5 इंच जो है वो पाइप वेस्ट पाइप का अंदर जाएगा नहीं ठीक है। तो अगर मेरा वेस्ट पाइप 1.5 इंच अंदर रहेगा तो ये यूरिनल जो है फिटिंग होगा। तो ये चीज़ जो है खास ध्यान रखना है और ये आउटलेट और इनलेट दोनों ही सिलिकॉन या पुटिंग से फिटिंग करूँगा। अभी ये यूरिनल का ये जो दो हॉल है दोस्तों ये दो हॉल जो है इसका जो नट बोल्ट आया है वो नट बोल्ट से जो है ये यूरिनल फिटिंग होगा। तो पहले टाइल जब ये यूरिनल फिटिंग करूँगा तो टाइल्स में जो है उसका मेजरमेंट लेके अब ड्रिल करके ये जो नट है नट को पहले जो जैसा कॉमोट में रेक बोल्ट होता है तो सेम ऐसा इसको जो है यूरिनल को जो है फिटिंग करना है। अभी मैं यूरिनल का जो आउटलेट लाइन है वो फिटिंग करूँगा। देखिए ये 21 इंच पे जो मैंने मार्किंग किया हूँ तो ये जो एल्बो है उसका सेंटर जो है 21 इंच पे रखना है। फिर रख के जो है वो मैं माप लेके उसके बाद जो है ये मैं पाइप फिट करूँगा। वेस्ट पाइप है फिटिंग करके ऐसा उसको पूरा सीधा में रखना है दोस्तों पूरा सीधा है कि नहीं पाइप वो देखना है। अब ये जो एल्बो का जो सेंटर है वो 21 इंच पे जो मार्किंग है उस लेवल पे है कि नहीं वो देखना है। अभी वेस्ट पाइप फिटिंग हो जाने के बाद दोस्तों ये जो सेंसर है वो मैं अभी फिटिंग करूँगा और ये जो सेंसर का दोनों साइड दोस्तों 1/2 का FABT जो है वो फिटिंग करना है। अभी FABT फिटिंग हो जाने के बाद उसका जो कवर है दोस्तों वो 4 स्क्रू से वो कवर फिटिंग कर दूंगा। अभी ये इनलेट जो यहाँ पे इनलेट लिखा है सेंसर का तो वो भाग जो है ऊपर रहेगा। अभी सेंसर को उसका जो कंसील है दोस्तों कंसील में रख के मैं अभी उसका लेबलिंग देखूंगा। जो 52 इंच पे जो मैं मार्किंग किया हूँ तो उस लेवल पे ये जो सेंसर का जो सेंटर है वो है कि नहीं वो देखूंगा।
आप ये देखिए, ये जो मार्किंग किया हूँ उसका सेंटर पे जो है सेंसर का जो सेंटर है वो है। अभी इसको फिर मैं इसको ऑल ऑन करके देखूँगा, जो सेंसर का जो सेंटर है दोस्तों वो नीचे का जो वेस्ट पाइप मैंने फिटिंग किया हूँ यूरिनल का जो आउटलेट, तो वो एक सेंटर पे है कि नहीं वो मैं ऑल ऑन करके देखूँगा। अभी ये सेंसर जो है, ये जो मार्किंग किया हूँ उसको और एक बार मैं देख लेता हूँ सेंटर में है कि नहीं, उसके बाद जो है ये मैं माप लूँगा। देखिए फिटिंग हो गया। अब दोनों साइड जो है मैं प्लास्टर से जो है कितना बाहर है ये जो सेंसर है वो अभी मैं एक बार देख लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेंसर से जो आउटलेट आएगा जो यूरिनल के लिए इनलेट होगा, तो वो कितना हाइट पे मैं रखूँगा नीचे फ्लोरिंग से। ये यूरिनल में आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं माप रहा हूँ, जो यूरिनल का आउटलेट से जो यूरिनल का इनलेट है वो 17 इंच है। ये जो यूरिनल का मैं आउटलेट फिटिंग किया उसका सेंटर से मैं यूरिनल का जो इनलेट है वो 17 इंच हाइट पे जो है मैं रखूँगा। अभी ये जो यूरिनल का जो इनलेट है दोस्तों वो फिटिंग हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो सेंसर है सेंसर को मैं पहले लेवल बटली रख के मैं लेवल देखूँगा उसका, ठीक है, ऊपर से साइड से सब तरफ से दोस्तों उसका जो है लेवल देखना है। लेवल देखने के बाद ये जो यूरिनल और यूरिनल का जो आउटलेट और इनलेट का जो मैंने पॉइंट किया उसको और एक बार मैं टेप से जो है माप लूँगा वो बराबर है कि नहीं मेजरमेंट। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 9 इंच सेंटर पे जो है रखा हूँ। टोटल जो एरिया है दोस्तों जगह लिया हूँ वो 18 इंच है, तो उसका जो आधा 9 इंच में सेंटर में मैंने जो वेस्ट पाइप रखा हूँ, और ये जो इनलेट है इनलेट भी 9 इंच सेंटर पर मैं रखा हूँ। अभी ये चेक करने के बाद ये जो सेंसर है दोस्तों ये मैक्सिमम और मिनिमम कितना बाहर रखना है यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकती है। अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये मैंने जो है सेंसर का ये जो कंसील बॉडी है ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बाहर रखा हूँ, इतना बाहर तो रखना नहीं है और थोड़ा अंदर रखना है, पर मैंने यहाँ पर थोड़ा बाहर इसीलिए रखा हूँ क्योंकि दीवार में जो है दोस्तों इटालियन मार्बल जो है वो लगने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सेंसर का बॉडी जो है थोड़ा बाहर रखा हूँ। अब ये जो वेस्ट पाइप है दोस्तों वेस्ट पाइप भी इसीलिए थोड़ा ज़्यादा बाहर रखा हूँ, इसको और थोड़ा अंदर रखना है क्योंकि दोस्तों ये जो टाइल्स से ये जो वेस्ट पाइप है 1.5 इंची अंदर रखना है, तभी जाके यूरिनल जो है आउटलेट फिटिंग होगा। ये जो यूरिनल का जो इनलेट और आउटलेट में है दोस्तों यहाँ पर जो है जैसा हम लोग कमर फिट करता हूँ पुटिंग या सिलिकॉन पहले लगा के उसके बाद जो है मेरे को यूरिनल जो है पुश कर देना है, जिस तरीके से कमर फिटिंग करता हूँ उस तरीके से जो है यहाँ पर यूरिनल फिटिंग करूँगा। अभी ये फिटिंग हो जाने के बाद लेवल सब देखने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे जो है रेती सीमेंट का माल बना के जो है मैं ये कंसील को है जाम कर दिया हूँ। अब दोस्तों ये जो यूरिनल का जो इनलेट और आउटलेट का जो प्लम्बिंग और जो सेंसर है वो उसका जो कंसील बोर्ड इंस्टॉल करना, तो ये सब कंप्लीट हो गया। तो अब वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।